लिया ये टेस्ट सीरीज का इनिशिएटिव, हम लोगों ने भी टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन की थी, उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। आप पढ़ तो कहीं से भी सकते हैं आजकल के दौर में, क्योंकि ऑनलाइन इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन आपको कोई अच्छे मेंटर्स और गाइड करने वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा जो जिसकी केमिस्ट्री वीक है, वो कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करे, कैसे आपने स्ट्रॉन्ग किया? I will recommend students that if they are studying online, then they should have mobile phone. And if they are studying offline, then they should avoid mobile phone and they have to adopt a small keypad mobile phone. अगर उसको refreshment की ज़रूरत भी है तो 5 times prayer उसको ज़रूरी पढ़नी चाहिए, नमाज, तो वो उसके लिए ठीक रहेगा। उसमें भी अगर उसका इस साल सिलेक्शन होता तो वो किसी GMC डोडा जा सकता था कश्मीर में, तो क्या पता अल्लाह ताला ने उसके लिए इससे बेहतर कुछ लिखा अच्छा होगा। GMC श्रीनगर और MS दिल्ली वो कर सकते हैं, ड्रॉपर कैन बी टॉपर। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का वेलकम, मैं आपके साथ इरफान मलिक हूँ। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो ही नीट के रिजल्ट मंजर आम पर आ गए तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर गए। सबसे ज़्यादा बच्चों की तादाद अगर कहीं से है तो वो जिला कुपवाड़ा से हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज आपने देखे होंगे और बहुत सारे इंटरव्यूज हमने भी किए, कुपवाड़ा के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी खासी रैंक जो है वो नीट इम्तिहान में हासिल की है, और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एस्पायरेंट्स अभी भी इस इंतजार में हैं कि कब उनको मौका मिल जाए, कब उनको रैंक आ जाए और कब वो नीट के इम्तिहान में क्वालिफाई हो जाए। मेरे साथ दो बच्चे हैं जिनसे हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे। स्ट्रेटेजीज कैसे रही है, किस तरीके से आप भी नीट इम्तिहान में क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे साथ दो बच्चे हैं, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम दानिश मकबूल है। आप कहां से? आई एम फ्रॉम पाजीपुरा कुपवाड़ा। तो पाजीपुरा कुपवाड़ा से हैं आप, मुझे बताइए किस तरीके की स्ट्रेटजीज रही और आपने क्या कोचिंग कहीं से ली या ऐसे ही? मैंने 11th में काई ज्वाइन किया था एंड आई कंटिन्यूड माय 12th आल्सो इन काई। उसके बाद मैंने जो नीट के लिए सेल्फ स्टडी की थी और काई कुपवाड़ा में मैंने टेस्ट सीरीज थ्रू आउट द ईयर ज्वाइन की थी। इस टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, टीचर्स ने थ्रू आउट ईयर मुझे जहाँ पर मेरे डाउट्स होते थे वहाँ पर मेरी हेल्प की, बहुत इमोशनली मोरल हेल्प, बहुत ज़्यादा मदद की टीचर्स ने। मेरे साथ बुशरा सजाद भी हैं, इनका ताल्लुक कुपवाड़ा के शुमनाग इलाके से हैं, इन्होंने भी नीट में इम्तियाजी पोजीशन हासिल की है। आई कुपवाड़ा के साथ ये जुड़े रहे और यहाँ पर टेस्ट सीरीज में इन्होंने हिस्सा लिया और पार्टिसिपेट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में, किस तरीके से कैसा सफ़र रहा? मैं ये कहूँगी कि 11th 12th में मैं श्रीनगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में थी, वहाँ पे आपको खास कोई इम्पोर्टेंस वहाँ पर मिलती नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल। काई कुपवाड़ा की मैं आपको एक खास बात ये बताऊँ जो मैंने पर्सनली नोटिस की, वो ये थी कि यहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है, आपको पर्सनली पूछा जाता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वगैरह चीज़ें। और आजकल ये वक्त आ गया है कि आप अपनी जगह पर घर पर जाके आप पढ़ सकते हो, हाँ, तो आपको लेकिन टीचर्स की थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ की जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और ख़ास तौर पे कुपवाड़ा के बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि वो श्रीनगर जाके टेस्ट सीरीज़ वगैरह इनको अवेल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है ये टेस्ट सीरीज़ का इनिशिएटिव, हम लोगों ने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। काई कुपवाड़ा पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो कुछ ही साल यहाँ पर हो गए हैं, और अरे बच्चे जो अब इस वक्त हमें देख रहे हैं, अब शायद आने वाले वक्त में आप ये सुनेंगे कि काई कुपवाड़ा में बहुत सारे ऐसे बच्चे क्वालिफाई हो गए नीट के इम्तिहान में, क्योंकि यहाँ पर कोचिंग के साथ साथ टेस्ट सीरीज और बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, ख़ासकर ड्यूरिंग प्रेपरेशन किन चीज़ों का ख्याल ज़्यादा रखने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से आप पढ़ तो कहीं से भी सकते हैं आजकल के दौर में, क्योंकि ऑनलाइन इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन आपको कोई अच्छे मेंटर्स और गाइड करने वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि कुपवाड़ा के जो लोकल बच्चे हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। मैं तो मुझे लगता है 100% इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगी कि उन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ को डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपको एक डिसिप्लिन में रखती हैं टेस्ट सीरीज़, तो वो बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक मेरे पर्सनल इसकी ये है, तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इस वजह से, क्योंकि गाइडेंस नहीं थी बिल्कुल भी स्टार्टिंग में। तो डायरेक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी जी बिल्कुल। इस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया। आजकल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने अपने आप को किस तरीके से मोटिवेटेड रखा, किस तरीके से आपने अपने प्रिपरेशन को अंजाम दिया? सर, आई विल रिकमेंड स्टूडेंट्स दैट इफ दे आर स्टडिंग ऑनलाइन देन दे शुड हैव मोबाइल फोन, एंड इफ दे आर स्टडिंग ऑफलाइन देन दे शुड अवॉइड मोबाइल फोन एंड दे हैव टू अडॉप्ट अ स्मॉल कीपैड मोबाइल फोन। यस सर। तो एडिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। यस सर। तो मैं अभी दूसरे बच्चे से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। आप मुझे बताइए, कितने घंटे, अगर कोई नीट इम्तिहान में अपीयर होना चाहता है तो कितने घंटे इम्पॉर्टेंट है, और कितने घंटे एक इंसान को, एक बच्चे को कामयाब कर सकते हैं नीट इम्तिहान में? देखिए सर, एज पर टुडेज कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, स्टूडेंट को एटलीस्ट 10-12 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादातर स्टूडेंट को स्टडीज़ की तरफ ही ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके वो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है। खासकर नीट एग्ज़ाम जो है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बहुत जो है जो बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका कंपटीशन भी हाई होता जा रहा है। यस सर। तो इसके लिए स्टूडेंट को जो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी वो स्टडीज़ को ज़्यादा देनी पड़ेगी, और अगर उसको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत भी है तो 5 times प्रेयर उसको ज़रूरी पढ़नी चाहिए, नमाज, तो वो उसके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद वो अपनी स्टडीज़ को कम्प्लीट, मतलब बाकी टाइम दे सकते हैं। तो आपके हिसाब से 6-10 घंटे बड़ा ज़रूरी है नीट एग्जाम के? यस सर, स्टडी में। तो वीकनेस पे आते हैं, पहले आप अपना बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, उनके अलग अलग फील्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग अलग होते हैं, तो आपको क्या लगता था, आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा वीक लगता था, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट जो आपको स्ट्रॉन्ग लगता था? मुझे केमिस्ट्री तो नहीं आती थी। केमिस्ट्री बहुत वीक थी। जी बहुत ज़्यादा वीक थी मुझे, क्योंकि चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो केमिस्ट्री मुझसे नहीं हो पाती थी। अलबत्त फिजिक्स, मुझे लगता है कि बायोलॉजी में मेरा अच्छा स्कोर होता था, उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा जो जिसकी केमिस्ट्री वीक है, वो कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करे, कैसे आपने स्ट्रॉन्ग किया? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो मुझे ये लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से टीचर से पढ़ा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। और बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में यही है कि आप जितनी दफ़ा पढ़ोगे उतना आपको अच्छा होता जाएगा, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, जितनी दफ़ा आप पढ़ोगे वो अच्छा होता जाएगा। अच्छा, आपके हिसाब से खासकर बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो आपको देख रही होंगी, ज़्यादातर फॉर फ्लंग एरियाज में लड़कियों को घर का काम भी करना पड़ता है, क्या वो नीट को क्वालिफाई कर सकते हैं जो घर में काम करें, या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी भी से वो श्रीनगर या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पाते, तो क्या वो नीट इम्तिहान को क्वालिफाई कर सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आजकल बहुत आसानी पैदा हो गई है ऑनलाइन सिस्टम्स की वजह से, और इस वजह से, क्योंकि अगर आपको पारा में रह के पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, अगर स्टूडेंट्स को, खासकर गर्ल चाइल्ड को अगर आपको श्रीनगर भेजना है, तो आई थिंक पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उसके लिए वरिड होते थे कि इसको कैसे भेजें वहाँ पे। तो अब बहुत ज़्यादा आसानी इस तरीके से पैदा हो गई है कि अगर आप कुफारा की ब्रांच को ही टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे ज्वाइन करोगे, ऑनलाइन अपने घर में पढ़ोगे, या लाइब्रेरीज़ को ज्वाइन करोगे, फिर आप टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे दोगे, तो कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी आपको। जो बच्चे आपको इस वक्त देख रहे हैं, या जिन बच्चों का इस बार नहीं हुआ, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि उन बच्चों की बात सब करते हैं जो क्वालिफाई हो जाते हैं, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उन बच्चों की बात कोई नहीं करता है, उनके लिए कोई मैसेज? यस सर, मेरी मैसेज जो ड्रॉपर्स के लिए रहेगी स्पेशली, वो उनको फील होता होगा अंदर से कि हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब किसी स्टूडेंट के 30 मार्क से रह गया होगा, किसी के 50 मार्क से रह गया होगा, किसी का 10 मार्क से, ऐसे ही, मतलब कि कोई, मतलब स्टूडेंट है, किसी ने बहुत सारी हार्डवर्क की होगी, उसके बाद भी उसका नहीं हो पाया होगा, उसको होप लूज़ नहीं करना चाहिए, उसको अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी मेहनत को बरकरार रखना चाहिए। मे बी अगर उसका इस साल सिलेक्शन होता तो वो किसी GMC डोडा जा सकता था कश्मीर में, तो क्या पता अल्लाह ताला ने उसके लिए इससे बेहतर कुछ लिखा होगा, GMC श्रीनगर और MS दिल्ली वो कर सकता है, ड्रॉपर्स के
टॉपर कैन बी टॉपर। खासतौर पर उन स्टूडेंट्स को जिनने बहुत ज़्यादा क्लोज किया, जैसे 620 है आधे लोगों के, और 620 तो एक बहुत अच्छा स्कोर होता है, और शायद एक एस्पिरेंट से ज़्यादा इस चीज़ को कोई नहीं जानता कि 620 के लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी होगी। और फिर अगर आप 620 से भी ड्रॉप हो जाते हो तो मुझे लगता है कि ये है एक तरीके से दुख की बात है कि ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को भी आगे हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि ऐसे लोगों को भी सीट नहीं मिलेगी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल मैटर बताऊं ये कि जब मैंने पिछली दफ़ा फिर से स्टार्ट किया था, जब ड्रॉप लिया था तो मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो एक कोट है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो ये है कि वन यू पुट वन फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर, अल्लाह सुभान व तआला विल मेक अ वे। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे आप एक कदम दूसरे कदम के आगे रखते हो तो एक रास्ता खुल ही जाता है अपने आपके लिए। मेरा सवाल दूसरा था, चलिए आपने आंसर दे दिया। मेरा सवाल यह है कि जो सवाल इस वक्त नीट इम्तिहान पे उठ रहे हैं, जिस तरीके का मेरिट लिस्ट सामने आया है, जो ग्रेस मार्क्स की बात हो रही है, बाकी चीज़ों की बात हो रही है, उस पर आपकी मतलब आप क्या सोचते हो उसके बारे में, क्या ये सही है? सही तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, जैसा मैंने कहा कि नाइंसाफ़ी है, क्योंकि बहुत सारे डिज़र्विंग स्टूडेंट्स रह जाएंगे उनके आगे होने की वजह से जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो मैं इसके अगेंस्ट ही हूँ, मुझे लगता है कि उन इस जो जी बिल्कुल री एवेल्युएशन होनी चाहिए। आप क्या सोचते हो? सर जहाँ तक मेरा सोचना है, जो इसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स को, उनको रिचेक करना चाहिए और रिवॉल्यूशन ऑफ रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि जितने मेरे मार्क्स हैं 658 मार्क्स, इस पर रैंक हुआ करती थी बिलो 6000 एंड माय रैंक इज़ 23000 ऑल इंडिया रैंक फॉर काउंसलिंग। तो कहीं पर इसको देखने की जरूरत ग्रेस मार्क्स जो है आपको ऐसा लग रहा है? यस सर। देखिए दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ा बवाल नीट एग्जाम को लेकर भी चल रहा है, जिस हवाले से इस पर बात भी हो रही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, और इस पर बहुत सारे एस्पायरेंट्स भी नाराज हो गए हैं, क्योंकि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें बहुत सारी खामियां दिख रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इसको रीइवैल्यूएशन या रीचेक करने की जरूरत है, ताकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनका हक जो है वो ना खाया जा सके, इस पर और बात होने की जरूरत है। तो बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक, कश्मीर ग्राउंड, कुपवारा से।